आप सबका दिल्ली दरबार में, जो भविष्य की राजधानी है, उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य में यही आना है ना सबको। अच्छा, तो आज की बाबा की 21:5 के महावाक्य सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बेहद का वर्षा लेने आए हैं, इसलिए बाबा ने कहा उमंग से बाप को याद करो। बाबा को याद तो करना है, लेकिन जितना उमंग होता है, याद हमारी शक्तिशाली भी होती है और टिकती भी है। इसलिए बाबा ने कहा तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। अच्छा, फिर प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से खोद कर पक्की करनी चाहिए। बाबा ने विशेष याद कराया है, कौन सी बात? तो बाबा ने बताया कि हम आत्मा है और हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा है ये खोटना है। बहुत अच्छी शब्द बाबा ने यूज किए, आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार खोट खोट कर पक्की करो। घोटना वर्ड हम यूज करते हैं ना, जो चीज, जैसे वो दाल को घोटते हैं, वो घोट वर्ड, बहुत उसको बारीक कंप्लीट मिक्स कर देते हैं, वो मिक्स हो जाए। इसी तरह वो जैसे ठंडाई है, मई का मौसम है ना, गर्मी का, तो ठंडाई भी खोटते हैं स्ट्रॉन्गली, मतलब उसको एकदम पीसते हैं। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि घोटो, मैं आत्मा हूँ, मैं बाप शिव बाबा से वर्षा ले रही हूँ, ये घोटो अंदर। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। तो बाबा ने आज की मुंडी में विशेष 3-4 बहुत अच्छी बात कही कि एक तो कर्मेंद्रियों की चंचलता, योग बल से कर्मेंद्रिया वश करो, और योग बल से ही कर्मेंद्रिया वश हो सकती है। क्योंकि कर्मेंद्रिया, अब देखो, योग बल और कर्मेंद्रिया, एक है फिजिकल सेंस ऑर्गन्स जिसको हम कर्मेंद्रिया कहेंगे, और दूसरा है कि इंटरनल फीलिंग्स। जितना ज्ञान होती है, समझ होता है, समझ के आधार से हमारे फीलिंग्स कर्मेंद्रिया वश होती है। अब जैसे सामने अच्छी चीज आई, लेकिन मन नहीं चलेगा, बाहर का बाजार का भोजन है, आउटसाइड फूड है, लेकिन मन चलेगा ही नहीं, तो क्योंकि समझ है। इसी तरह नाम रूप की बीमारी, उसमें भी कर्मेंद्रिया चंचल होती है। तो इस तरह की समझ से वैसे कर्मेंद्रिया शांत होती है, और योग के अभ्यास से कर्मेंद्रिया शांत होती है। जितना हम बैठक योग का अभ्यास करते, उतना हमारी कर्मेंद्रिया, किसको कहेंगे, 5 सेंस ऑर्गन्स, आंख, शब्द है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे कहा जाता है। तो
आंखों की चंचलता भी कर्मेंद्रियों की चंचलता है। कई बार जब अज्ञानी होते हैं या योग का अभ्यास नहीं होता है तो बहुत इधर उधर दृष्टि चलती रहती है, चलती रहती है। ये भी कर्मेंद्रियों की चंचलता है। दूसरा, हम बैठते हैं तो किसी की आदत होती है ना कुछ हलचल चलता रहता है, एकाग्रता नहीं आती है कर्मेंद्रियों की। तो इस कारण, क्योंकि एकाग्रता नहीं आती है, तो भी एक कर्मेंद्र जैसे पैर चलेगा, हाथ चलेगा, तो ये भी क्या हो गया, कर्मेंद्रियों की चंचलता। तो जितना बैठक अभ्यास होता है उतनी कर्मेंद्रियां शांत होती है। अब एक बाप दादा को हम सभी ने देखा है कि किस तरह बाबा 12 12 आवर्स, आजकल जो मुरलियां चल रही है, बाबा पहले दिन आते थे, अगले दिन संडे की रिवाइज मुरली चलती है, तो पहले दिन आते थे और अगले दिन और 12 घंटा बाबा का एक ही कोर्स है। तो ये फिजिकल कर्मेंद्रियों की चंचलता ना नहीं होना, योग बल से बाबा ने कहा कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी। और फिर दूसरा, बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए विशेष बताया कि कैसे ब्रह्मा बाबा भी, क्या नशा चढ़ गया था बाबा को, कि बाबा ने कहा कि बाबा को जैसे ही साक्षात्कार हुआ, विद इन हाउ मेनी मंथ्स बाबा डिसाइड कर लिए, विद इन 6 मंथ्स बाबा ने डिसाइड कर लिया कि मुझे सब कुछ समेटना है, छोड़ना है। बाबा को नशा चढ़ गया था ना, बाबा ने आज मुरली में कहा कि जैसे पागल होते हैं ना, बाबा को दिखा कि ये राजधानी, ये स्वर्ग का राज्य भाग्य मुझे मिलने वाला है, तो ये क्या है, एक कौड़ी। ब्रजेंद्रा दादी सुनाती है, बॉम्बे की, ब्रजेंद्र बाबा की लौकिक में डॉटर इन लॉ थी ना, तो बोला उस रात को बाबा ने सब वो पार्टनर को भी बुलाया और फिर वो नशा था बाबा को, तो बोला कि ये सब फैसला करो और हम ये डिसाइड कर लेंगे। तो वो बोलता गया कि अलमीरा चांदी सोने की वो दे दोगे, बोला हाँ। फिर ऐसे करते करते कितनी सारी चीजें दे दोगे, बोला हाँ। मतलब बाबा को जो नशा चढ़ गया, बाबा ने पहले फैमिली की कंसेंट ले ली थी, उसके बाद बाबा ने, तो जैसे बाबा को वो कौड़िया दिखी नहीं। तो इसलिए जो आज बाबा ने कहा ना, बाबा जैसे पागल होते हैं, और फिर विद इन 1 ईयर तो पूरा समर्पित बाबा ने कर ही दिया। कितना फास्ट बाबा ने डिसाइड किया। तो कहा कि बाबा हमेशा कहते, विल पावर उनकी शक्तिशाली होती है जो विल करते हैं, और विल करने में भी जो झाटकू होते हैं उनकी विल पावर बहुत, जो सोच सोच के विल करता है उनकी विल पावर नहीं होती, लेकिन झाटकू 70 की, 18 जनवरी 70 की बाबा की मुरली है। ये ब्रह्मा बाबा की, बाबा ने बहुत अच्छे साकार बात, बाबा की बात कही कि साक्षात्कार होने लगे, राजा ही मिलनी है, कैसे मिलेगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं, बट मिलनी है, इस नशे से बाबा ने छोड़ दिया। तो और फिर बाबा ने कर्मेंद्रियों को वश करने के लिए एक और बात कही कि क्रोध, गुस्सा नहीं, अगर कोई गुस्सा करता है उस समय क्या करे। ब्राह्मणों में गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन जब क्रोध कोई करता है, बाबा ने आज कहा कि एक तो सुनो नहीं विल बातें, और अगर पति क्रोध करता है तो उस पर हंसी की बात बाबा ने दी, फूल बरसाओ।
और दूसरा बोला हंसते रहो। एक्चुअली इसका क्या मीनिंग होगा, फूल बरसाना है। तो अंदर ही अंदर शुभ भावना के संकल्प चलते रहे उस आत्मा के प्रति, यही फीलिंग्स की चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है ना जीवन का, कि उधर से इतनी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है और मेरी यहाँ से शक्तिशाली फीलिंग्स, पॉजिटिव भी नहीं, हम तो पॉजिटिव की तो बात ही नहीं करते, हमारा लेवल है शक्तिशाली फीलिंग्स। तो शक्तिशाली यहाँ की फीलिंग्स चाहिए, तो ये बाबा ने विशेष कहा है। और फिर बाबा ने कहा कि सार है मुरली का, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न तो सुननी है और न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। जो बातें पसंद नहीं आती, फिर दूसरा है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बहुत रहस्य भरा आज का बाबा का वरदान है, निर्बल में बल भरना, ये कार्य करना। उसके लिए बाबा ने कहा कि सेवा के जो भी साधन है, याद की शक्ति, जितनी जो जो सेवा चल रही है कर रहे हैं साथ में, याद बाबा की कैसी, इसी के ऊपर आज मेरा भी चिंतन चला और बहुत अच्छा अभ्यास रहा भी, तो वो शेयर करेंगे आपसे। स्लोगन ने हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। तो बाबा के ये विशेष महावाक्य थे। तो बाबा ने जो आज वरदान में कहा कि शक्तिशाली सेवा, अब सेवा और याद, इसको शक्तिशाली सेवा कहेंगे। इसमें बाबा ने विशेष 7 पॉइंट्स बाबा की आती है कर्मयोगी लाइफस्टाइल के लिए।
तो बाबा ने एक 7584 की बाबा की मुरली चली थी, जिसमें बैलेंस बाबा ने बताया था, बैलेंस से ब्लेसिंग। अब हम सोचते हैं कभी कभी बैलेंस का मतलब होता है कि ठीक है, योग के लिए भी समय है, सेवा के लिए भी समय है, लौकिक कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी समय है, तो बैलेंस हो गया। लेकिन बाबा ने क्लियरली कहा कि वो सेवा करते उस समय याद की स्थिति, इसको कहेंगे बैलेंस। अर्थात सेवा चल रही है पर अंदर ही अंदर कभी कभी हम सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा है, मतलब मेरी याद है। बाबा की सेवा समझ के करना भी याद नहीं है, क्योंकि होता है स्टार्टिंग होती है कि बाबा बाबा की सेवा है, बाबा की, और लेकिन सेवा करते करते स्थूलता आ जाती है, तो जब स्थूलता आ जाती है तो डिस्चार्ज हो जाता है बैटरी, और फिर सेवा हो गई लेकिन एंड में एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, थका हुआ महसूस हो रहा है, तो वो सेवा नहीं है, वो याद में रहकर सेवा नहीं है। याद का मतलब हुआ कि सेवा भी चल रही है, चार्जिंग भी चल रही है साथ में। तो क्या हुआ एंड ऑफ द डे, जैसे वो लैपटॉप हम यूज करते हैं, काम भी कर रहे हैं और वो चार्जिंग पे भी है, तो काम करते हुए एंड ऑफ काम हो जाए उसके बाद फिर भी पूरा चार्ज है। सेवा में जब याद समा जाती है तो फिर वो ऑलवेज चार्ज्ड फीलिंग करता है, क्योंकि जहां याद नहीं है तो आत्मा में ड्रेनिंग शुरू हो जाती है, उमंग। सेवा में उमंग, याद है इसके क्या क्या फीलिंग्स रहेगी सेवा, क्योंकि बुद्धि तो बाहर सेवा के क्षेत्र में बुद्धि तो जाएगी, लेकिन फिर भी सेवा में याद की फीलिंग्स क्या होती, जिस सेवा में फीलिंग है कि मैं निमित्त हूं, करावनहार बाबा है, ये क्लियरली फीलिंग है, मैं निमित्त हूं, तो निमित्त भाव से याद होती है, निमित्त भाव कि करावन हार बाबा है, तो एनर्जी सेव्ड है, क्लियरली फीलिंग है कि बाबा आप करा रहे हो, मैं केवल निमित्त हूं, तो इससे वो एनर्जी सेव्ड है। दूसरा, जिस सेवा में फल का संकल्प नहीं है, बाबा ने कर्मातीत की डेफिनेशन सुनाई थी कि निमित्त बनने का भी जहां अभिमान नहीं है, कभी कभी निमित्त निमित्त कर करके वो भी एक टाइटल बन जाता है हमारा, निमित्त निमित्त बनने का भी अभिमान नहीं, उसमें भी मैपन आ जाता है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, इसलिए करावनहार बाबा है ये तो है, लेकिन करणहार भी बाबा है, करणहार करावनहार बाबा, ये संगम युग के मौज है कि जिसमें करणहार और करावनहार भी बाबा है, क्योंकि द्वापर युग में भक्ति में हम करावनहार तो भगवान को कहते आए हैं, हो सकता है कहीं कहीं हमने फीलिंग भी की है, लेकिन करणहार और करावनहार, तो निमित्त बनने का मैपन भी जिस सेवा में नहीं है, जो दादियों का हम प्रैक्टिकल अनुभव सुन हम देखते हैं, इतना मैपन से बियॉन्ड, तो करावनहार बाबा, तो जिस सेवा में निमित्त भाव, जिस सेवा में फल की इच्छा, संकल्प मात्र भी नहीं रहेगा, जो बाबा की
लास्ट संडे की भी मुरली थी कि सेवा किया खुशी, सेवा करने की खुशी है, कुछ मिलने का संकल्प ये सेवा, वो सच्ची सेवा नहीं है। तो जिस सेवा में ये एनर्जी है निमित्त भाव का, फल की इच्छा नहीं, और जिसमें बाबा का प्यार समाया हुआ है, जिस सेवा में बाबा, बाबा की वो फीलिंग है, बाबा आपकी सेवा कर रहे हैं, तो प्यार जहां है और उमंग उत्साह है वो है सेवा में बाबा की याद। जैसे कंपनी का उसमें बाबा के जो निमित्त भाव के, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, 6 टिप्स है। फर्स्ट, निमित्त भाव में भी कैसे, क्या निमित्त भाव किसे कहेंगे, कि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और हम निमित्त बनकर कर्म नहीं लेकिन डांस कर रहे हैं। जैसे माइक है, इतना बाबा मुझे यूज, बाबा जैसे यूज कर रहा है, वहां से आ रहा है, यहां से बाबा यूज कर रहा है। तो माइक है, इंस्ट्रूमेंट है सामने, जैसे हम बोलते हैं ना इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियस, तो उसका वो तो केवल सामने रहता है, बुद्धि सारी उसकी चलती है और उसके थ्रू सबको मिल जाता है, वो केवल इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है, अब जैसे ये आज जूम का इंस्ट्रूमेंट है सामने, लेकिन मेन फायदा किसको हो रहा है, हमको हो रहा है, आपको हो रहा है। एंड, स्टार्टिंग वाला और एंड वाला वो है, बीच वाला जो है वो जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, उसकी तो वैल्यू है ही है। इस तरह से ये फीलिंग कि वहां और सामने, बस ये फीलिंग, तो इसको बाबा ने कहा निमित्त भाव से कर्म करना। और दूसरा बाबा ने, दूसरा टिप है कि जिसको एकदम कर्म में योग इंटीग्रेटेड हो, इट्स जस्ट विद इन एवरी एक्शन इंटीग्रेटेड हो, तो बाबा ने कहा कि साथी बनकर बाबा के साथ करना। कोई लॉन्ग ड्राइव में हम जा रहे हैं और अगर साथी साथ है तो क्या हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो हर कर्म में बाबा का साथीपन मुझे कितना फील होता है। जैसे ये अभ्यास कि बाबा, अब मैं जैसे इधर हम बैठे हैं, बाबा साथ में है, बाबा सामने है, बाबा जैसे गाइड कर रहे हैं मुझे, तो ये बाबा की गाइडेंस है और बस हम चल रहे हैं। साथीपन का फीलिंग कैसे आएगा, जैसे अब हम ड्राइव पे जा रहे हैं, साथी साथ में हो, इसका प्रूफ क्या होगा कि कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी, पता ही नहीं चलता है लॉन्ग ड्राइव कैसे चलता है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन चलती रहती है कंटिन्यूस, इसलिए कहते हैं ना सफर का पता ही नहीं चला। तो कर्म कर रहे हैं लेकिन बाबा के साथ कॉन्वर्सेशन चलना, रूरिहान चलना। तो जिस कर्म में ये रूरिहान चलती रहेगी, साथीपन की फीलिंग, कभी कभी ऐसा ना हो कि साथी, बाबा साथी है लेकिन बाबा एक कोने में है, और बाबा ऐसा साथी है कि जब तक अगर हम बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, फिर बाबा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और जब हम पूछते हैं, आप, हम सभी अनुभवी है, हर छोटी छोटी बातों में हमें सबको ये अनुभव होता ही होगा
कि बाबा मुझे एवरी सेकंड गाइड करता है, एवरी सेकंड। इमीडिएटली कुछ भी कंफ्यूजन होता है कि बाबा क्या करूं, बाबा ऐसे करूं, ये करूं, बस। और फिर वो एक सेकंड संकल्प आएगा, आज सुबह ही हमने कुछ ऐसी बात थी, बड़ी कंफ्यूजन थी, क्या करो बाबा, ऐसे करूं, वो करूं, दो थे, तो एक सेकंड संकल्प आया और वो कर्म किया, और फिर पता चला कि अगर मैं सेकंड प्रपोजल यूज करती तो थोड़ा नुकसान होता। तो कुछ भी बात हो, इमीडिएट साथी। साथी का फायदा क्या है? हमारे साथ कोई अच्छा बैठा हो और उस और वो इतना एक्सपर्ट हो, एकदम साथ में हो, एक्सपर्ट हो, समझदार हो, और अगर हम उसका यूज नहीं लेते तो इसको भी अपना मिसफॉर्च्यून कहा जाएगा ना, कि इतना अच्छा है लेकिन देखो भाग्य। तो ये साथीपन का बेनिफिट जो अभी संगम युग में भी जब हम समझ गए ज्ञान को तब मिलता है। तो बाबा ऐसा साथीपन, ऐसा साथी, और फिर कर्म करते हुए ये चेक करना है कर्म में हल्कापन है, कर्म का बोझ तो नहीं है। हल्केपन की फीलिंग प्रूव करता है कितना साथीपन की फीलिंग है। तो ये कर्म की सेकेंड टिप है, साथीपन। और तीसरा बाबा ने कहा बिलोंगिंगनेस, निराकारी अवस्था। जैसे एक फीलिंग है कि मैं वहां से आई हूं। अब जैसे कोई विदेश जाता है कुछ काम के लिए गया, लेकिन ये क्लियर है कि मैं वहां की हूं, चाहे हूं मैं यहां, लेकिन ये क्लियर है कि मैं यहां की हूं, भारत की हूं। और जब जैसी और वहां जाने का कुछ पर्पस है, और जैसी पर्पस पूरा हुआ वापस आ जाएंगे, इसको कहेंगे जाना, जाना आना। तो अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार शरीर द्वारा कर्म करना। तो मैं, मुझे क्लियर है कि मैं परमधाम निवासी हूं। अब जैसे विदेश में गए, लॉस एंजल्स में आए, चाहे एक साल भी रहना पड़े, दो साल भी रहना पड़े, लेकिन ये क्लियर मैं हूं वहां की, ये भूलता नहीं है ना जो भी रहते हैं। तो इसी तरह ये मेरा एकदम क्लियर हो कि परमधाम निवासी, चाहे मैं फिर यहां कितने समय भी करूं, तो वहां के निवासी समझने का बेनिफिट क्या होगा? तीन बातें हैं। फर्स्ट, बिलोंगिंगनेस वहां की। सेकंड, इट्स लाइक मैं जहां, जैसे जहां की बिलोंगिंगनेस है भारत की। अब आप सभी सपोज घर से सेंटर पे आते हो, तो जब सेंटर पे आते हो तो वो पर्पस है मुरली सुनना, लेकिन बिलोंगिंगनेस है कि चलो घर के है, मेन हमारा घर है। तो बिलोंगिंगनेस जहां से आते हो वहां की रहेगी। दूसरा, जहां आ रहे हैं वहां पर्पस रहेगा कि द मोमेंट मुरली खत्म हुई फिर हम वापस अपने घर जाएंगे। तो दूसरा है पर्पस ओरिएंटेड। तो बिलोंगिंगनेस, पर्पस ओरिएंटेड, और तीसरा है जिम्मेवारी। जहां कोई हम बिलोंग करेंगे वहां की जिम्मेवारी हमारी ज्यादा रहेगी। तो सपोज घर से हम आए हैं, सेंटर की भी जिम्मेवारी है लेकिन घर की जिम्मेवारी भी है, उनका तो सेटल करना ही करना है, बच्चों का या जो भी है। तो जहां से हम आएंगे वहां की जिम्मेवारी होगी।
अब हम निराकारी वतन से आए, जब ये फीलिंग होती कि बाबा मैं परम धाम से आई, तो बिलोंगिंगनेस वहां की, और फिर यहां आए कुछ कर्म किया। अब जैसे मुझे आप सभी से बात करना है, तो ये क्लियर है कि मुझे बात करना है, लेकिन फिर ऊपर चले जाते हैं क्योंकि आए वहां से। तो जब वो पर्पस कंप्लीट हुआ, आपका पर्पस कंप्लीट होते ही आप वापस घर चले जाते, सेंटर आने का जो पर्पस था वो कंप्लीट हुआ, चाहे सेवा के लिए चाहे हो, तो वापस वहां जाओगे जहां से आए थे। तो जैसे अगर मैं निराकारी वतन से आई हूं, तो तुरंत थोड़ा सा पर्पस कंप्लीट हुआ, तुरंत ऊपर गए, फिर बेशक वापस आना पड़े कोई बात नहीं। या अगर नहीं भी गए ऊपर, मैं पूरे दिन वही थी, जैसे आप पूरे दिन सेंटर में ही थे, लेकिन सेंटर पे रहकर भी ये तो क्लियर था ना कि अब पूरा काम होते ही सेंटर का फिर घर जाएंगे। तो इस तरह पूरा यहाँ कर्म हुआ, फिर ऊपर चले जाएंगे। इसको कहेंगे बिलोंगिंगनेस, और इसको कहेंगे पर्पस ओरिएंटेड, और तीसरा जिम्मेवारी। तो जिम्मेवारी किसकी रहेगी, जहां बिलोंग करते उस जगह की मेरी जिम्मेवारी है। बाबा को बिलोंग करते हैं परम धाम को, तो बाबा के कार्य की जिम्मेवारी मेरा मेरी जिम्मेवारी, वो मेरा फर्स्ट है। और फोर्थ है, जैसे मैं आप सेंटर पे आए घर से, तो घर आपने बता दिया कि मुझे 4 घंटे के बाद वापस घर जाना है, मतलब घर वालों को बोल दिया कि 4 आवर्स का है सेवा, फिर जाऊंगी। तो अगर 4 आवर्स में नहीं आते हो तो क्या हो जाता है, वहां से कॉल आएगा, मैसेज करेंगे, कुछ बता पूछेंगे ना, क्यों, क्योंकि आपने कहा था, क्योंकि आप वहां के हो। बिलोंगिंगनेस के कारण वहां वाले आपको फोन करते हैं। तो अगर मेरा ये फीलिंग है कि परम धाम से मैं आई हूं, निराकारी अवस्था की फीलिंग है, परम धाम निवासी की फीलिंग है, तो बार बार जैसे कर्म पूरा हुआ बाबा से खींच होगी। जैसे बाबा पूछेंगे बच्चे कहाँ हो, बार जैसे कर्म पूरा हुआ या कर्म पूरा होने में है, बाबा की स्मृति आती रही, जैसे वहां से कॉल होता है। यही तो, जैसे अगर जिसका बिलोंगिंगनेस नहीं है कहीं, तो वहां से कोई कॉल ही नहीं आने वाली है, भाई तुम रहना है रहो, कुछ नहीं। तो बार ये बार बार बाबा की, बाबा मुझे कैसे खींचता है, जब परमधाम निवासी की फीलिंग रहती है तब बाबा मुझे खींचता है। बार 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 ऊपर जाएंगे, बार बार नीचे आएंगे, ये है वहां की बिलोंगिंगनेस। बाबा ने जो अभी लास्ट हमारी अव्यक्त मूर्ति चली थी परिवार की, तो कैसे बाबा ने बताया 17 अप्रैल की, कि बच्चे 6 बार 12 बार अव्यक्त फरिश्ता और 12 बार परम धाम, 24 टाइम्स का ड्रिल बताया ना फुल डे। तो खींच हो बाबा के से, ये है निराकारी अवस्था, बिलोंगिंगनेस से कर्म करना। और फोर्थ है कर्म, कर्म भी होता रहे और साथ में मनसा से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाते रहे। कर्म चल रहा है, लेकिन अब जैसे मूड, अभी ऑफिस से भाई आए और देखा कि वो विश किया युगल को, उसने देखा तो सही, शायद ओम शांति भी की होगी, लेकिन फिर अपने काम में कुछ बात कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ज्यादा बात नहीं कर रही युगल, तो वो भाई को क्या फीलिंग आ जाएगी, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रिस्पॉन्स ऐसा मिल रहा है। अब उस व्यक्ति ने, उस वाइफ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन
कैसे उस भाई को फीलिंग आ गई, क्योंकि कर्म चल रहा है साथ में मनसा वाइब्रेशंस, कुछ क्रोध के, कोई चीज से रूठी हुई है उस तरह के। तो कर्म में मनसा वाइब्रेशंस से वो कर्म की, अब वो उस कमरे में ऑफिस से आए लेकिन अब उसको किचन में जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, किचन का वाइब्रेशंस बहुत हेवी है, भारीपन बहुत है। तो क्या किया, कर्म कर रहे हैं और मनसा वाइब्रेशंस वैसे, तो इसी को स्पिरिचुअलाइज, कर्म करते हुए मनसा वाइब्रेशन स्नेह संयोग के फैलाते जाए, इसको कहेंगे कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस। जो कर्म हो रहा है उसमें कितनी सेवा की फीलिंग और कितनी स्ट्रॉन्ग सहयोग की फीलिंग्स है। भोजन ही कर रहे हैं, भोजन ही बना रहे हैं, तो उसमें बाबा आपके लिए उस सेवा भाव, उस वाइब्रेशन में बाबा आपको खिलाना है, इतनी उस सेवा एम्बेडेड है। उमंग उत्साह तब रहेगा जब वो सेवा में वाइब्रेशंस ऐसी हो, नहीं तो वो उमंग उत्साह नहीं रहता। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस। साकार बाबा का ये फेमस एग्जांपल था कि बाबा झाड़ू निकाल रहे थे और कोई आ गया, पूछा कि मिलना है, तो बोला कि ठीक है बैठो, लेकिन उसको पता चल रहा था कि ये जो है ये ऑर्डिनरी नहीं है। और फिर बाबा स्वयं आते हैं, तो कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण कर्म करते हुए साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कर्म सिंपल लेकिन इतनी पावरफुल स्थिति, तो लगे कि ये विशेष है, क्योंकि फीलिंग्स आर द परफ्यूम ऑफ द सोल। जितनी फीलिंग्स पावरफुल होती वो आत्मा की परफ्यूम है। तो ये बाबा की, साकार बाबा की और दादियों का हम सबको अनुभव है कि कितनी दादी के हर कर्म में, चाहे साधारण कर्म लेकिन बाबा की फीलिंग्स कितनी थी। तो ये स्थिति, जैसे नहीं हम लौकिक का एग्जांपल बहुत बार देते हैं, वो पत्थर ही तोड़ रहे होते हैं लेकिन उसको पूछा, दो जन पत्थर तोड़ रहे होते हैं, एक को पूछा क्या कर रहे हो, बोला दिख नहीं रहा है पत्थर तोड़ रहा हूं, और दूसरे को पूछा बोला मस्जिद बना रहा हूं सर, उसको वही, तो पत्थर तोड़ रहा है लेकिन भावना, तो भावना, मेरी भावना दूसरे की भावना बन जाती है। मेरी जो कर्म प्रति जो भावना होती है, ऑटोमेटिक दूसरे की भी उस कर्म के प्रति वैसी फीलिंग आती, मेरे लिए वैसी फीलिंग आएगी। अब हम कर्म सपोज कुछ जो भी कर रहे हैं और थोड़ा क्या मेरा तकदीर है, क्या भाग्य है, अंदर संकल्प चलता जा रहा है और पालना कर रहे हो, चाहे वो परिवार की कर रहे हैं, चाहे तो अंदर संकल्प चल रहा है क्या थोड़ा सा भी, तो मेरा संकल्प, मेरी फीलिंग्स, लोग अन्य को भी लगेगा कि क्या तकदीर है इसकी, बेचारा कितना दुर्भाग्यशाली है। तो फीलिंग्स को राइज जन्म देती है। तो ये बाबा ने कहा कि कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस। तो बाबा का आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कुंज दादी का एग्जाम्पल, नहीं दादी कितनी बार सुनाती है, पटना की कुंज दादी है, तो
बाबा ने जब वो 7 दिन का कोर्स कराया एक भाई को, और दादी कहती थी कि हम लोग इतना भरते थे जब कोर्स कराते थे तो कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया है, वो हमारा पिता है, मतलब उनको जैसे रोज। और बाबा ने कहा हुआ था कि 7 डेज के बाद ही बाबा मिलेगा, उसके पहले बाबा मिलेगा नहीं। तो अब रोज रोज उनको कोर्स कराते समय उनको नशा चढ़ाए कि ये, और फिर वो भी बोल दिया कि 7 7 दिन के बाद ही बाबा मिलेगा। अब 7th डे में तो वो भाई इतना उत्सुक होता था, सुना होगा ना आप लोगों ने, कि उसको इतना उत्सुक था कि बस मुझे मिलना है बाबा से। और फिर कुंज दादी गई बाबा के पास, उस समय बाबा गेहूं चुन रहे थे, बाबा और मम्मा ऊपर मधुबन पांडव भवन में। और बाबा ने कहा कि आ जाओ, फिर बाबा को बोला कि बाबा वो भाई रेडी है, आओ चलो आप उनसे मिले। तो बाबा ने बोला कि हाँ आ जाओ, लेके आ जाओ इस भाई को यही। दादी ने बोला नहीं बाबा, ऐसे कैसे, हमने इतने रोज हम उनको इतना उमंग दिलाते हैं कि हमारा बाबा ऐसा है, हमारा ये है, हमारा भगवान जिसके तन में आते हैं, तो आप ऑफिशियल चलो, शॉल पहनो, चलो। लेकिन दादी बाबा ने कहा नहीं, बाबा तो आज मिलेगा तो यही मिलेगा। और दादी भी जिद पे चढ़ गई, नहीं बाबा तुमको तो ऑफिशियल शॉल पहनो और चलो, चलना ही होगा। बाबा ने उस दिन बाबा ने कहा नहीं, आज तो बाबा ने सोच लिया है कि बच्चे को यही मिलेगा बाबा। और फाइनली फिर वो लेके आते हैं उनको, और वो हिस्ट्री हम सबको पता है कि जैसे ही वो सामने वो आया और फिर दादी ने बोला बाबा, बाबा जैसे ना गेहूं चुन रहे थे, बोला बाबा वो भाई आ गया। और बाबा ने जस्ट ऐसे देखा, चुनते चुनते भी बस ऐसे देखा और बस उसको साक्षात्कार हो गया विष्णु का। वो तो उसी समय गिर गया, वो विष्णु भाऊ साथ में था, भाऊ को बोला कि भाऊ संभालो इसको, वो तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। तो बाबा की कर्मयोगी जीवन हर कर्म में थी, कितनी पावरफुल बाबा की ये फीलिंग थी। बाबा के हर कर्म एक साक्षात्कार मुहूर्त था। तो ये बाबा ने, इसलिए बाबा ने कहा कर्म और मनसा, इतनी साक्षात वो फीलिंग आती जाए। और एक्चुअली किसी का भी मेरे प्रति अगर कुछ भी गलत फहमी भी है, उसकी गलत फहमी उसके संकल्प का कारण तो है, लेकिन मेरा उसके प्रति का संकल्प ये उसकी गलत फहमी को बहुत ऐड करता है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत ऐड करता है। कई बार हम, जैसे मुझे पता चलता है वो मेरे लिए इस तरह कह रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसके प्रति संकल्प चलाने लग जाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी ऐसा, ये ऐसा, ये उसकी फीलिंग्स को ऐड कर रहा है। फीलिंग्स कितनी पावरफुल है ये बाबा के ज्ञान से हमें क्लियर हो जाता है। और एटलीस्ट उसकी जो फीलिंग्स है मेरी बिल्कुल ऐड ही ना हो, एक तो उस वैसे भी कम हो जाएगी, और अगर उसके और कॉन्ट्राडिक्शन में उसके हमारी शुभ भावना चलती जाए। कई बार हम ना कहते हैं कि जैसे किसी ने हमको कहा कि हाँ ये बात है, वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये सब बातें पूरे बता दी, तो कहते हाँ बाबा ने कहा है ना शुभ भावना रखो। अब मैं पहले सोच रही हूँ, फिर मैंने फोन पे शेयर किया किसी को, और फिर लास्ट में हम कहते शुभ भावना रखो। 1 घंटा तो मैंने शेयर किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरे को तो बिल्कुल ये नहीं हुआ ये। एंड जब हम शेयर कर रहे तो पूरे उस फीलिंग्स में एंग्रोस्ड हो जाते हैं, और फिर लास्ट में हम कहते बाबा कहते ना शुभ भावना, मैं तो शुभ भावना बहुत रख रही हूँ ताकि वो चेंज हो जाए। शुभ भावना वाला इतना शेयर करेगा ही नहीं किसी को,
चाहे वो कितना भी अपना हो, वो इतना ज्यादा शेयर करेगा ही नहीं। हाँ, शेयर अगर करेगा भी तो उसकी भावना शेयर करते समय चेंज नहीं होती, शुभ भावना। शुभ, इसको बाबा कहते हैं शुभ भावना। तो शुभ भावना, शुभ कामना, तो ये बाबा ने, ये फोर्थ टिप है। और फिफ्थ टिप है, बाबा ने कहा सक्सेस का फॉर्मूला बताया, जिस कर्म में बाबा का साथ होने से डबल इंजन मिल गई। बाबा भी है, मतलब कर्म कर रहे और बाबा भी साथ है, तो जहां बाबा की याद है वहां मदद है ही है। और फिर बाबन, इसलिए बाबन का डबल फोर्स का जीवन, कर्मयोगी जीवन मतलब डबल फोर्स, सिंगल नहीं है कोई भी कर्म में। तो फिर बाबा ने इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस, सफलता का फॉर्मूला, इक्वेशन बताया, जिस कर्म में बाप की याद के साथ साथ उमंग उत्साह और अथकपन है, वो कर्म सफल अवश्य होता है। A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, हम हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखते हैं। A बाबा की याद, B उमंग उत्साह और C अथकपन, अनटायरिंग नेचर। सब कोई भी सिंपल, जैसे सेवा ही कर रहे हो और उस सेवा में शंकर बाबा की याद है और उमंग उत्साह भी है। कभी कभी बाबा की याद तो होती है, उमंग उत्साह हो सकता है कम होती जाए, शुरू में बहुत होगी सेवा में फिर कम होता जाए, या इट कुड बी एनी, कोई भी कर्म हो जाए। तो कर्म, उमंग उत्साह और अथकपन। अच्छा, उमंग उत्साह हो जाए, सक्सेस हम जो चाहे वैसा नहीं मिल रहा हो तो थोड़ा अनटायरिंग में थोड़ा टायर्डनेस आ जाती, लेकिन अथकपन, ये तीनों जिस भी कर्म में होगा वो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। डी इज इक्वल टू सक्सेस। तो ये हम सभी अनुभवी हैं, हमने कितने बार जीवन में देखा कि कोई भी कर्म में करते जाते हैं, अंदर संकल्प नहीं आया कि अरे इसमें तो इतने हम सेवा की, ये आत्मा तो निकली नहीं है, नहीं, बस करना है। रिजल्ट को देख के थकान होती है, या गलत वाइब्रेशंस जब दिखता है तब थकान होती है, लेकिन जब ये लगता है कि नहीं, उमंग उत्साह करना है मुझे, कर बस निमित्त बन के करना है, और ओके, संकल्प ही नहीं चलता है तो थकान नहीं होती है। जहां हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, कहीं भी थोड़ा सा भी, वहां थक जाते हैं, तो कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो उमंग उत्साह और अथकपन, ये सक्सेस का रीजन होता है। और फिफ्थ है, बाबा ने एक बहुत अच्छा बैलेंस, कौन सा बैलेंस बताया बाबा ने, कि लवलीन अवस्था का अनुभव करना, कर्म करते हुए लव में लीन, लव लीन अवस्था। अर्थात बाबा ने कहा कि कर्म करते समय और दूसरा कर्म से न्यारा हो, अलग होने में स्थिति की समानता। मतलब जब हम योग कर रहे हैं वो स्टेज, और जब कर्म कर रहे हैं वो स्टेज, दोनों स्टेज में, दोनों एक्टिविटीज में स्थिति एक जैसी। कभी कभी योग में तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, एकदम डिटैच्ड, बहुत अच्छा
जिसको, लेकिन जब कर्म कर रहे होते ना तो स्थूलता आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि जो इस कर्म के, जो इस बैलेंस की कला में नंबर वन जाता है वही महान बनता है। मतलब जो स्टेज मेरी योग के समय हो वो स्टेज मेरे कर्म के समय हो, ये है बैलेंस। योग के समय एकदम शांति है, योग के समय हम बहुत कम धीमी आवाज से बोल रहे हैं, वही धीमी आवाज वही वो शांति कर्म के समय दिखाई दे, ये है कर्म नीति, तब कहेंगे बैलेंस। और फिर बाबा ने कहा कि कोई भी कर्म करते, सिक्स है, कोई किसी भी कर्म को कभी भी लाइट समझ के छोड़ो नहीं, मतलब उस बहुत डिफिकल्ट है। चाहे कोई भी जॉब करते हो, हार्डवर्क करते हो, कोई भी चैलेंजिंग है, लेकिन हर कर्म में योग के बैलेंस द्वारा उसको लाइट करना है। कभी भी ये नहीं सोचे कि काम पूरा हो जाए उसके बाद योग करेंगे, लेकिन कर्म करते समय योग की स्थिति है। और वैसे ये हम सबका अनुभव है भी कि एक्चुअली मुझे उस समय बाबा की याद, बाबा की मदद चाहिए होती है, वो कर्म करने के बाद वाली मदद नहीं चाहिए, उस समय मुझे चाहिए मदद। उस समय पर्टिकुलरली अगर हार्ड कोई चैलेंजिंग हो, चाहे सिंपल है, ट्रैफिक में फंसे हो, ट्रैफिक हो, उस समय मुझे थोड़ा भी, उस समय मुझे बाबा की याद चाहिए। कई बार हम सभी का अनुभव होता है कि हम जब चलते हैं, दिल्ली का तो ट्रैफिक आपको शायद अनुभव होगा कभी कभी कि मतलब बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैफिक है। हम सेवा के लिए एक संकल्प लेके चलते हैं, लॉस एंजलस की भी ऐसे ही है, सेम है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है, आर्मी चीफ से मिलना था हमको, जो इंडियन आर्मी का चीफ है वो मधुबन आया, तो चले तो थे, वैसे मेरी गलती थी, मैं लेट चली, कुछ ऐसा ही दिवाली का टाइम था, कुछ ऐसा हो गया तो, और उसको बहुत, उन लोग टाइम के बहुत पक्के होते हैं, तो जैसे ही वो मतलब उसने 4:45 कह दिया, अब 4:45, 4:15 को निकले, ट्रैफिक ऐसा, और 45-50 मिनट्स तो लगना ही लगना था, दिवाली का समय, तो अब क्या था, और कुछ नहीं, एक ही संकल्प, बाबा बस, एक तो बाबा को संकल्प समर्पित कि बाबा आप देखना, दूसरा श्रेष्ठ संकल्प कर लिया कि 4:45 हम वहां सोफे पे बैठ जाएंगे, जैसे एक ही संकल्प कर लिया हमने, और लिटरली पता नहीं क्या, इतना ट्रैफिक था, ये था, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो एटलीस्ट 50 मिनट्स का ट्रैफिक था, लग ही रहा था हमको, पर एग्जैक्ट उस समय हम वहां पहुंच गए, सोफे पे बैठ गए। तो क्या होता है, हम बाबा की याद तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना संकल्प लूज भी कर लेते हैं कोई कार्य के लिए, और फिर जहां संकल्प लूज किया बाबा की याद करे, फिर वो थोड़ा अंदर भय आ जाता है, तो भय भी चल रहा है और बाबा की याद चल रही है, मिक्स्ड संकल्प में, फिर इट्स लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि ये गाड़ी आगे बढ़ाओ फिर पीछे करो, फिर गाड़ी आगे बढ़ाओ फिर पीछे करो, फाइनली हम जल्दी पहुंच, टाइम लग जाता है पहुंचने, गाड़ी आगे बढ़ाई है और संकल्प भी आगे बढ़ाए, संकल्प एक दूसरा नहीं रखे, ब्राह्मणों के संकल्प की बहुत वैल्यू। तो ये हमने सभी ने अनुभव किया है कि हर कर्म में, और हमने देखा कि वो जैसे ही हम पहुंचे, इट वाज मतलब वो वाला जो दिन था
इतना श्रेष्ठ समय था कि बस फिर बाद में वो भी एकदम 4:45 आदमी वाले तो बहुत, और आते ही 10-15 मिनट में उसने फिक्स कर लिया कि मुझे मधुबन आना है, ये करना, और एस यूजुअल वो फिर बाद में मधुबन फर्स्ट आया, वो फर्स्ट आर्मी चीफ था जो मधुबन में आए थे। तो कहने का भाव कि अब जैसे उस समय हम जब उनके पास पहुंच रहे थे तो उस समय क्या चाहिए कि यहां से मुझे उस आत्मा को वाइब्रेशन देते जाना है, संकल्प। अब मैं आधा घंटा जो योग का पीरियड है ट्रैफिक में, उस समय तो मुझे इतना शक्तिशाली संकल्प करके उस आत्मा को वो धरनी बनानी है ताकि बाद में जाके मैं जो भी शब्द कहूं तो वो धरनी बन चुकी है, वो चाहिए होता है। तो हमने यही यूज किया कि ये देखना ही नहीं है कि इधर क्या है उधर क्या है ट्रैफिक क्या है, बस इस धरनी बनाओ। तो ऐसे करके जितने जितने हमने जहां जहां ये यूज किया, चाहे हम स्टेशन पे है, ट्रेन में, कहीं भी कुछ ऐसे जगह, लेकिन धरनी हम बनाते हैं कि नहीं वो आत्मा जिस कार्य के लिए जा रहे हैं और उस कार्य के प्रति श्रेष्ठ संकल्प और उस श्रेष्ठ संकल्प के साथ बाबा की याद। कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है, ये बड़ा ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। लेकिन वो वैसा ही विजुलाइज कर रहे हैं, क्योंकि विजुलाइजेशन ये बहुत हेल्प करता है ऐसे समय। हम क्या करते हैं, भय जहां होगा, थोड़ा भी फियर का थॉट आता है तो विजुलाइजेशन भी हमारी वैसे होती, कहीं ऐसा ना हो, एक संकल्प भी आ गया गड़बड़। तो ये संकल्पों की दुनिया है। तो बाबा ने ये सिक्स्थ, ये बाबा ने बात कही, और सेवेंथ जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट है कि कर्म करते हुए जितना कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कार्य आपके हल्केपन को कम न करे, मतलब मेरा काम भी बढ़ रहा है और हल्केपन की स्थिति को भी बढ़ रहा है। आपके हल्केपन की स्थिति कर्म पर इफेक्ट दे, न कि कर्म का भारीपन आपको इफेक्ट दे। अर्थात मेरा हल्कापन उस कर्म को हल्का कर दे, न कि कर्म का हैवीनेस मुझे भारी कर दे। जब ये हमारी स्थिति हो जाए कि बड़ा से बड़ा, मतलब क्या होगा कि कर्म की एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी, कार्य बढ़ता जाए और हल्कापन बढ़ता जाए। हल्कापन होने से उतने ही टाइम में हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं क्योंकि हल्कापन बढ़ रहा है। तो एफिशिएंसी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, और हल्केपन का मतलब है मेरा संकल्प का हल्कापन कर्म में हो, न कि कर्म का भारीपन मेरे पर प्रभाव दे। जब ऐसी स्थिति हो कि मेरी स्थिति का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, इसको कहेंगे कर्मातीत, कर्म से अतीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था। तो बाबा ने ये कर्म योगी की इतनी डीप और इतनी गहरी बातें बताई। तो कर्म करते तन का भी हल्कापन हो, मन की स्थिति में भी हल्कापन, जितना कार्य बढ़ता जाए हल्कापन बढ़ता जाए, ये डायरेक्ट बाबा के महावाक्य है। तो जब बाबा इतने कर्मों में समा जाता है, एक्चुअली मैं कभी कभी समझती हूँ ये तो अभी तो हमको आज की स्थिति में तो बहुत ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि इतना भारीपन है तो उस समय तो ज्यादा जरूरत है कि ये वाली प्रैक्टिस हो। शायद
कलयुग में या पुराने, अगर कलयुग थोड़े समय पहले का भी होता तो उसमें भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा जरूरत है संगम युग के एंड में जो हम चल रहे हैं, तो ऐसे समय में ये वाली स्थिति की प्रैक्टिस। तो हमने ये देखा कि कितनी इजीली ये कार्य होता है। एक बार जब हम छोटे ही थे, मतलब ज्ञान में तो चलो 41 इयर्स से है, तो बहुत छोटे से थे, तो मैं जब 23 मतलब बहुत यंग एज था, तो कुछ एक केस हुआ था, कुछ प्रॉपर्टी का केस था, तो जिसमें लौकिक में ही थी मैं, तो वो हमारे नाम की प्रॉपर्टी थी, तो उसमें इट वो मतलब वो रेंट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोगों ने वो उसको रेंट कर दिया था उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि हम तो पेरेंट्स के साथ रहते थे, तो वो एडिशनल प्रॉपर्टी थी, एक लॉटरी में मिल गई थी, तो गवर्नमेंट की जो था उसके तरफ से मिला था, हमको रेंट कर दिया। अब फिर वहाँ गवर्नमेंट के आदमी आए और वो सब, तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी का फिर केस कर दिया कि दिस इज इनलीगल, इसको नहीं करना ये, और ये कॉन्फिस्केट कर लेंगे प्रॉपर्टी। और हमको ये बहुत क्लियर था कि बाबा की है, ये बाबा ने दिए, बाबा की है। अच्छा, फिर वो केस हुआ और फिर जज, तो क्या हुआ, उस जज की सेवा कर ली थी, मतलब हमें नहीं पता कि वो जज है, लेकिन जजेस की सेवा लौकिक फादर बहुत करते थे वो, क्योंकि वो एडवोकेट है, तो उन्होंने उनको सब जजेस की सेवा की। एक जज को माउंट आबू लेके गए उसमें से, और मधुबन लेके गए कोई कॉन्फ्रेंस में, मधुबन बहुत प्रभावित हुए वो, और फिर बाद में वो आए, और उसकी पता भी नहीं चला, 1 वीक बाद में केस आया, और कोइंसिडेंटली उसी जज के पास वो केस आया। तो उसने जब वो सामने मतलब हमारे सामने वो था कि अभी इसके पास ही प्रेजेंट होना है, और पूरा तो गवर्नमेंट का लॉयर था, हमने कोई लॉयर को अपॉइंट नहीं किया था, तो लॉकिक वाले ने हमको बता दिया कि क्या क्या बोलना है क्या क्या, और गवर्नमेंट का लॉयर और मैं सामने थी, और मुझे बाबा की याद थी कि बस बाबा अब आपको करना है, मुझे तो कुछ इतना लीगल कुछ आता नहीं है, बेशक स्टडी की है लेकिन लीगल वाला तो लॉयर वाला लैंग्वेज तो होता नहीं है ना, बाबा मेरा लॉयर है, बस जज भी बाबा लॉयर भी बाबा। अब उसने वो लॉयर बहुत सारा प्रेजेंट कर रहा था अपना केसेस, जस्टिफाई कर रहा था सब कुछ, और मैं इधर शांत, अपोजिट पार्टी एकदम शांत, मतलब मैं सिर्फ बाबा की याद करूं, क्योंकि उसके लॉ जजमेंट्स, उसके जो पॉइंट्स थे बहुत लीगल पॉइंट्स थे। अब हुआ क्या, बाबा की याद कर रही हूँ, अब थोड़े समय के बाद 5 मिनट के बाद वो जज ही मेरे तरफ हो गया। उसने कहा नेचुरल है ना, ये सिंगल है तो वो प्रॉपर्टी का क्या करेगी एक्सेट्रा, मतलब वो हर बात में गवर्नमेंट लॉयर को वो मुझे डिफेंड कर रहा था, और फाइनली केस हुआ और इजी, और उसने जज ने कर दिया कि आपका प्रॉपर्टी एकदम ठीक है और कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप तो सिंगल हो, तो सिंगल तो पेरेंट्स के साथ ही रहेगी, वो प्रॉपर्टी तो ऐसी है, प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी है तो रेंट कर दिया, उसमें क्या हो, मतलब इतने सारे पॉइंट्स उसके थे, जज ने किया। तो हमने देखा कि बाबा की, जब बाबा को समर्पित कर देते, और विशेषकर जो संकल्प हमने देखा उसमें भय बिल्कुल नहीं था, कोई तरह का डर हो, कोई पता नहीं क्या हो जाएगा, एक भी संकल्प नहीं, एकदम बाबा, और एक ही संकल्प किया कि वो जज नहीं है, बाबा सामने है। नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं कि जज आपके अपोनेंट के साइड हो, गवर्नमेंट का जज है, गवर्नमेंट का लॉयर है। तो ये अनुभव हम सभी को हमेशा होता रहता होगा कि कैसे बाबा ये कार्य कराता है, अपनी सेवा कराता है। तो बाबा की याद, बाबा
के प्रति वो कर्म की जो ज्यादा चैलेंजिंग है उसमें तो हम कंप्लीटली बाबा को सौंप देते बस, और एक ही संकल्प उस सेवा के प्रति वो कर्म के प्रति करते हैं बस। ये ऐसा है, श्रेष्ठ इंटेंशन होता है, बहुत प्योर, और निमित्त भाव भी नहीं होता है, बाबा का कार्य और बाबा करा रहा है। जैसे चाहे वो बिल्डिंग बनानी हो बाबा की सेवा के लिए, चाहे बड़े बड़े टास्क, तो बाबा की सेवा है, बाबा वो बिल्डिंग बना रहा है, बाबा जो जिस आत्माओं को टच करना है बाबा कर रहा है, मैं सिर्फ देख रही हूँ। तो ये साक्षीपन का अभ्यास और बाबा करा रहा है, ये जब प्रैक्टिस की तो हमने वो देखा कि कैसे वो कार्य बहुत इम्पॉसिबल टास्क है लेकिन बहुत इजीली हो गए, और वो वही संकल्प से हुआ जो संकल्प हमने श्रेष्ठ संकल्प रखा था, लेकिन प्रोवाइडेड ये था कि एक भी नेगेटिव संकल्प उसमें, भय के संकल्प नहीं आए, बाबा और बाबा का कार्य, ये श्रेष्ठ संकल्प होता। तो बाबा ने जो कहा ना कि संगम युग में रियली मौज करने का समय है, हम संकल्प करते नहीं है उसके पहले वो कार्य जैसे रेडी है, और ये जो अनुभव बाबा कराते हैं दादियां हमको कितनी बार ये इस तरह की पालना कि हुआ पड़ा है, तो कोई भी कर्म करते श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प है करना है ये भी नहीं फीलिंग आती है, हुआ पड़ा है मुझे सिर्फ जैसे निमित्त बनना है, ये निमित्त बनने का भाग्य हम ले लेते हैं, हुआ पड़ा है। सक्सेस का ब्राह्मणों के कर्म में सक्सेस का फॉर्मूला है हुआ पड़ा है का सिद्धांत से चले, करना है होना है वो पटरी वाली ट्रेन नहीं, लेकिन ये पटरी पे चलते हैं हुआ पड़ा। कोई भी मधुबन से कोई गाइडलाइंस आ जाती है, जैसे अभी मधुबन से आया गाइडलाइंस कि यज्ञ के लिए मधुबन का डायरेक्शन था, तो अभी लॉकडाउन का पीरियड है, और फिर हमने मतलब मधुबन से डायरेक्शन आया लेकिन और लॉकडाउन का पीरियड है, तो सभी जो यज्ञ में करना भी है तो क्या संकल्प, तो हमने क्योंकि मधुबन का डायरेक्शन है और बाबा कराने वाला है, हमको केवल श्रेष्ठ संकल्प करना है, निमित्त बनने का भाग्य क्या है, मुझे कुछ करना नहीं है, श्रेष्ठ संकल्प करना है। तो हमने देखा कि संकल्प श्रेष्ठ किया और जस्ट सभी को एक बार इतला कर दिया, 10 times जो संकल्प किया बाबा वो कार्य कराता है, और बाबा के कार्य के लिए वो तन की मन की या धन का जो भी रिसोर्सेस का भाग्य बनना है वो भाग्य बन जाता है। मतलब संकल्प 1% करते हैं और उसका एक्चुअल रिजल्ट 10 times होता है मधुबन, ये श्रेष्ठ संकल्प का भाग्य। तो मैंने ये सोचा कि लॉकडाउन पीरियड है और फिर भी बाबा ये कार्य कैसे होगा, क्योंकि अभी भाई बहनों से इतना रोज कांटेक्ट में नहीं होता था, पहले अप्रैल की बात थी, बाद में तो हम शुरू हो गया था, लेकिन ये भाव ये प्रैक्टिकल प्रूफ, तो अब तो मैंने ये अनुभव सोच लिया कि अब मुझे संकल्प करना ही नहीं है, केवल ये है कि बाबा का कार्य है और ये संकल्प करना है, बाबा कराए बाबा कराता, तो बाबा कैसे कराता है मुझे वो आनंद लेना है मुझे बस। तो श्रेष्ठ संकल्प बाबा की याद, अथकपन, कभी भी कार्य में हमारा सक्सेसफुल ना हो ये हो ही नहीं सकता है, ये है। तो उसकी मुझे बाबा का जो प्यार है, एक मुझे बाबा की वो बहुत अच्छी साकार बाबा के समय की बात याद आती है,
आप लोगों ने शायद पता नहीं सुना है या नहीं, एक बार दादी के ये बैगरी पार्ट का टाइम था, तो बाबा ने जब वो दाल की बात भंडारे में सबको दाल दे रहे थे कि, तो जब दाल दे रहे थे तो पतली एकदम दाल थी, तो फिर बाद में खत्म हो गई थी दाल, तो किसी ने पूछा और दाल, तो बोला नहीं दाल खत्म हो गई, और बैगरी पार्ट में क्या चलता था, स्टॉक सुबह का स्टॉक है तो सुबह के लिए, लंच का स्टॉक है तो लंच के लिए, तो खत्म। तो किसी बच्चे ने वापस वो भंडारी वाले के पास गए और पूछा ना, तो नहीं, बाबा को बहुत खराब लगा, बाबा वही थे कि बाबा के भंडारे में आज दाल नहीं है बच्चे के लिए, बाबा ने खाना नहीं खाया, मम्मा ने खाना नहीं खाया, बड़ी दादी ने खाना नहीं खाया, और बाबा क्या किया, भंडारे से सीधे कमरे में चले गए। कमरे में जाके बाबा बात करने लगे ब्रह्मा शिव बाबा से, एकदम कि बाबा ऐसा आपके भंडारे में आज मेरे बच्चे के लिए दाल भी नहीं है, आपके बच्चे के लिए दाल नहीं है, ऐसे बाबा ने 15 मिनट्स बात की होगी। इतने में एक पहरे पर जो दादी खड़ी थी उसने बताया कि एक फिर बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी आई और वो उसने कहा कि मुझे अंदर आने दो, जो पहरे पर दादी थी उसने कहा कि अंदर क्यों आना है, अंदर आप नहीं आ सकते, बोला नहीं मुझे प्रेरणा आई है, मुझे अंदर आना है और मुझे ये सब यहाँ खाली करना है। तो फिर पूछा बाबा को कि क्या करे, अंदर आने दे, तो बाबा ने कहा ठीक है आने दो। अब आए और बोला कि फिर वो आंगन में नहीं, मधुबन का पांडव भवन का आंगन है, वहां आकर खड़ा हो गया बैलगाड़ी, और फिर बोला कि मुझे मतलब जैसे उसको प्रेरणा आ रही थी कि इधर जाके खड़े हो जाओ, फिर बोला कि मुझे ये सारा सामान यहाँ खड़ा खाली करना है। बोला क्यों और क्या है ये सामान, तो बताया कि इसमें दाल है, और फिर उसने बताया दादी को, पहरे पर वो जो दादी थी, कि मैं जब वहां आबू रोड से जा रहा था ऊपर की तरफ, तो मुझे किसी की प्रेरणा आई कि तुम्हारे पास ये जो सामान है तुम वहां जाके दो, वहां जाके खाली ये सब देना है तुम, तो जा कहीं और डायरेक्शन में रहा था, लेकिन वो प्रेरणा ने, वो ऐसी प्रेरणा आई और उसने फिर वहां से जैसे जैसे उस प्रेरणा ने गाइड किया, बोला वहां उस तरीके से वो आया और पांडव भवन एग्जैक्ट, और आके फिर वो एकदम बीच में जैसे जब वो आया तो प्रेरणा स्टॉप हुई, बोला यहाँ यहाँ खाली कर दो, बोला मुझे इधर सारा खाली करना। तो उसमें 100 kg दाल थी। तो बाबा ने फिर वो दाल आई उसी समय भंडारे में दाल दी, दाल बनवाई, उस बच्चे को बाबा ने दाल दलवाई, फिर बाबा मम्मा और दादी ने दाल। बाबा का ब्रह्मा साकार बाबा का शिव बाबा के साथ कितना डायरेक्ट संबंध था, इतना रूबरू कनेक्शन कि बस इधर बाबा ने कहा उधर बाबा। और मुझे जब ये सुना, मुजफ्फरपुर की जो रानी बहन है तो उन्होंने बताया मुझे, तो जब हमने सुना तो हमें ये फील हुआ कि ये नहीं कि शिव बाबा साथ में थे तो बाबा की हमेशा भरपूरता थी, शिव बाबा का साथ होने का मतलब ये नहीं कि आपके काम ऑलवेज ही फुल होगा, आपका घर फुल होगा, सेंटर फुल होगा, वो नहीं है, लेकिन हिसाब किताब या जो भी परिस्थिति आएगी उसमें बाबा की मदद रहेगी, जो आना है वो तो आना ही आना है, लेकिन उसमें बाबा की इतनी पावरफुल मदद रहेगी। तो बाबा ब्रह्मा बाबा का बैगरी पार्ट के कितने अच्छे अच्छे ऐसे अनुभव हम सभी ने सुने होंगे कि बाबा के पास था नहीं
जलेबी का एग्जाम्पल है बाबा का, इतना मनोहर दादी ने हमको सुनाया था कि जले बाबा ने कह दिया होली में जलेबी खिलाऊंगा, और होली 2 दिन के बाद है, जलेबी भंडारी आई, बोला कि जलेबी नहीं है बाबा, कुछ है ही नहीं, कहाँ क्या करें। और फिर बाबा ने कहा मैंने तो बाबा बच्चों को कह दिया कि बच्चों को होली के दिन जलेबी खिलानी है, अब बाबा आप देखना। और फिर दो पांडव भवन में वहां ब्रज कोठी में कोई एक माता थी वहां उसके नजदीक में, उसको सब उसको रात को उसको वो बहुत बांधेली थी, तो उसको रात को सपने में बाबा आए और बोला कि तुम ये अमाउंट है जो बाबा का भी होली के दिन भोग लगाना है, और आप ये बहुत अच्छी संस्था है उसको जाके दो और उसको उसमें भोग लगाओ तुम होली का, और ऐसे करके मतलब कहने का भाव कि बाबा के पास परिस्थिति थी लेकिन साकार बाबा के सामने बाबा ने कितना उसको स्पिरिचुअलाइज किया, कितना उसमें अनुभव शिव भगवान के साथ का अनुभव किया, ताकि हमको ऐसे एग्जाम्पल हो कि ऐसी परिस्थिति में बाबा कैसे साथ देता है। ऐसा नहीं ब्रह्मा बाबा है तो साथ है ही है। एक बार रमेश भाई ने पूछा बाबा को कि बाबा जैसे मम्मा की तबीयत बहुत खराब थी कि ऐसो को कर्म भोग क्यों आता है, रमेश भाई ने मम्मा को पूछा कि बाबा को जैसे वो ऑपरेशन था तो क्यों आता है कर्म भोग, मम्मा ने जवाब दिया कि यही बाबा इनको साकार बाबा के पास जो परिस्थिति आएगी और उनकी जो स्थिति का अभ्यास होगा बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल होगा, इसलिए बाबा के सामने भी वो परिस्थिति आती है। क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए तो नहीं होगा ना कि ऑलवेज भरपूरता, हर बच्चे के सामने परिस्थितियां तो आएगी, तो कर्म भोग के समय कैसी स्थिति होनी चाहिए इसका अनुभव बच्चों को कराने के लिए बाबा के सामने परिस्थितियां। तो बाबा के हर कार्य हर एग्जाम्पल हम बच्चों के लिए बाबा के सामने की हर सिचुएशन हम बच्चों के लिए एक उदाहरण हो गए। जो आज हम ये नहीं कह सकते बाबा के हम बाबा को क्या पता, उनके सामने थोड़ी ऐसी परिस्थिति आई, हमारे सामने तो ऐसी है, तो चाहे कर्म भोग का पेपर हो, चाहे धन का पेपर हो, चाहे कोई भी लेवल का पेपर देखो, बाबा का हर पेपर आ चुका है। ये है हम बच्चों के लिए कितना बड़ा एक मोटिवेशन और एक उमंग उत्साह। तो बाबा की ये विशेष प्रेरणा हमेशा रहती है, और आप सभी भी अनुभव तो करते ही होंगे वहाँ होके, और बहुत अच्छा सभी ब्राह्मण फैमिली से भी मिलके भी बहुत अच्छा लगता है, ईस्ट वेस्ट और वेस्ट और ईस्ट अब एक हो गया पूरा ब्राह्मण परिवार, तो इसलिए गॉड ईस्ट एंड वेस्ट, बाबा इज द बेस्ट, बाबा इज द बेस्ट, इट्स राइट, बाबा ऑलवेज बेस्ट है। और इनफैक्ट ये तो बहुत एक अच्छा लॉकडाउन भी ब्राह्मणों के लिए वरदान हो गया, तो शायद इतनी पालना एक एक को बुला के भी नहीं मिलती है जो घर बैठे इतनी पालना हम सबको मिली होगी। ठीक है, संगीता बेन, आज मैं समझती हूँ कि हर एक का प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपने बहुत ही सरल रीति से बताया कि निमित्त बनने का भाग्य क्या है। अभी ये सभी जो हमारे सामने हमारे परिवार है, सभी निमित्त आत्मा है। आप सभी समझते हो तो हाथ ऊंचा करो। आप सभी पक्का निमित्त आत्मा है। संगीता बहन ने बहुत ही सरल रीति से 2 बातें बताई, तो कौन सी बात अभी से अंडरलाइन करेंगे, जो जवाब दो तो आपका म्यूट ऑफ करो। 2 बातें बहुत, हर संकल्प में जो भी कार्य आप करने चाहते हो उसमें बहुत ही अच्छा उसने अपने एग्जाम्पल देके किया, तो कौन सा संकल्प करेंगे, कौन सा संकल्प करेंगे आप बोलो, तो संगीता बहन भी सुने कि
आपने अच्छी तरह से सुना है, अभी प्रैक्टिकल में ला भी दिया है। आपका म्यूट ऑफ करो जो बोलना चाहते हैं। आप सुन सकते हो कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि कौन सा संकल्प करेंगे, कार्य करने के आगे पहले कड़ा ही वो संकल्प करो। हर एक थोड़ा नम्रता सा है पड़ा और हल्कापन। नहीं, एक ही संकल्प उसने बताया। बहुत ही मुश्किल काम भी उसने बताया कि कैसे ट्रैफिक में स्टक हो जाने वाले थे, पर फिर भी बाबा हाँ, ने कौन कौन सा संकल्प से उसको विजय प्राप्त कराया। से भी संकल्प हुआ में पड़ा है अटैक नहीं होनी चाहिए। नहीं, कौन सा अनस्टेबल संकल्प? नहीं, हल्का पन दृढ़ संकल्प की पहुंचे ही जाएंगे। है। एक ही हाँ, संकल्प उसने हुआ बताया, कौन ही सा संकल्प? पड़ा हुआ है। ही कर्म पड़ा करने है। के टाइम का बाबा योग की के स्थिति साथ रखती। क्या कनेक्शन? हुआ ही पड़ा है। वो तो रिजल्ट आई। पहला संकल्प कौन सा उसने बताया जिसके कारण हुआ ही पड़े का आएगा? कौन सा है? श्रेष्ठ बाबा जी श्रेष्ठ के साथ संकल्प। चुप भावना। बाबा बैठा है कल पहले नहीं, भाव। बाबा का नहीं, कार्य है, बाबा ही फोर फोर्टी फाइव करेंगे। 4:45 पहुंचना ही है, वहां से नहीं, मैं बैठ नहीं, कौन जाना। सा संकल्प? में एक ही शब्द पूछ डर रही हूँ। संकल्प योग योग।